The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों. आज हम explain करने वाले हैं 2023 में आई नई movie धक धक. ये movie mainly base है चार female spikers के ऊपर जो कि थारदुंगला track कर रहे हैं, वो भी bike से. जिसमें से एक है बुआ जी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, दूसरी है जो कि भगवान को बहुत मानती है, हर एक काम करने से पहले अपनी माँ से पूछती है, तीसरी है स्काई जिसका न्यूड वायरल हो गया है, वो अपने अतीत से ही भाग रही होती है, और चौथा है उज्मा जो कि हिंद मोटर कंपनी की मालकिन थी पर बाद में उसको वो खानदानी औहदा छोड़ना पड़ा और अपने पति को देना पड़ा। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, एक्सप्लेनेशन के एंड में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट है, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस कहानी को ना हम ऐसे समझेंगे कि हर एक कैरेक्टर को हम इंडिविजुअली डेवलप करेंगे और सबको मिला लेंगे जब वो खारदुंगा ट्रैक के लिए निकलेंगे। तो पहले आ जाते हैं बुआ जी जिनको लॉटरी में बुलेट लगा है और वो इस बात से बिल्कुल नाखुश है। उनको तो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह चाहिए था पर उनको ये मिल गया। वो उनके पोते से भी बोलते हैं इसको बिकवा दे और घर वाले भी उनको ताना देते रहते हैं, ये बुलेट का आपको क्या शौक चढ़ा, इसको बेच क्यों नहीं देते। फिर हमको दिखाई देता है बुलेट तो उनके बेसमेंट में पड़ा हुआ होता है पर उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो बुलेट चलाना सीखेंगे और उनका पोता उनको सिखाने में मदद करते हैं और वो धीरे धीरे बुलेट चलाना सीख जाते हैं। फिर आता है स्काई की बारी जो कि मेन लीड में काम कर रही होती है। वो प्रोफेशनली एक यूट्यूबर है जो कि गाड़ियों का अच्छा खासा नॉलेज रखता है और उसके बारे में ही वीडियो पोस्ट करता है। एक दिन दिल्ली के सड़क में रोड रेस वगैरह चल रहा था, वो उसी की फुटेज ले रही होती है और उस जगह बुआ जी के पोता भी होता है। जब भी पुलिस आता है सारे लोग तो भाग जाते हैं पर वो लोग उधर खड़े हुए थे ऐसे दिखा के कि वो लोग कपल है। फिर गुप्पी बोलता है ये मेरी दादी जी की है, अगर इस बुलेट को कुछ हो जाता है ना तो मुझे मार डालेंगे। तब स्काई भी शॉक हो जाती है कि दादी कैसे बुलेट चला सकती है। और स्काई जब घर में थी तब उसका दोस्त कुणाल आता है, वो बोलता है हम पार्टनरशिप इक्वली कर लेते हैं क्योंकि मेरा भी इधर पार्टनरशिप का फंड रखा हुआ है। असली में स्काई और कुणाल दोनों ही एक साथ मोटो ब्लॉगिंग शुरू किए थे और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे। एक दिन कुणाल का फोन हैक हो जाता है और उधर से स्काई का सारा न्यूड फोटो लीक हो जाता है जो कि प्राइवेटली स्काई ने कुणाल को भेजा था। इस वजह से वो कुणाल को भी दोषी मानता है और उसके हर एक यूट्यूब वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट्स भी आता है, इसको लेके वो डिप्रेशन के पिल्स भी खाती है। फिर हमको उसको एक स्पॉन्सर से बात करते हुए सुनाई देता है कि उसके लिए दुबई एक्सपो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ब्रांड उसको बोलता है हम तुमको तब भी स्पॉन्सर करेंगे जब तुम्हारे पास कोई नया फ्रेश कंटेंट होगा। और यह उज्मा जो कि टिपिकल मुस्लिम हाउसवाइफ है, उनके पति का एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा है, घर का हर काम वो करती है पर उनका नाम कभी नहीं होता और वो हिंद मोटर के ऑफिशियली वारिस है पर उनके अब्बा जान ने ये काम इनके शौहर को दे दिया है। उसको भी उधर सफोकेशन होता है, उसे बाइक से बहुत प्यार है और वो भी इधर से निकलना चाहती थी। और यह मंजली टोटली धार्मिक परिवार से बिलोंग करती है, उसके पापा नहीं है, उसकी माँ ही उसके सब है। उसकी शादी होने वाली है और उसको अपने पति से बात करना तक अलाउ नहीं है, सिर्फ मम्मी चूज कर देगी उसके लिए सही पति कौन है। उनकी एक दूर के मौसी के लड़की जो कि ट्रैवलर है वो अभी खारदुंगला पे रुका हुआ है, वो उधर मंजली को भी बुला लेते हैं एक धार्मिक काम के लिए और वो लोग मान जाते हैं। और वो मंजली से बोलती है कि तुमने कब से बाइक नहीं चलाया, तुम खारदुंगला तक बाइक लेके आओगे और ये है तुम्हारे लिए मेरा शादी का गिफ्ट। हर एक कैरेक्टर का परिचय होने के बाद फिर हम स्टोरी में आते हैं। स्काई को चाहिए था एक नया कॉन्टेंट और गुप्पी के दादी के पास था बुलेट, तो उनके पास वो चली गई एक स्टोरी लेने के लिए। एक मॉल के बाहर अच्छा सा कैमरा लेके सामने बुलेट खड़ा करके वो लोग इंटरव्यू लेने लगे कि कैसे लड़कियां भी बाइक चला सकती है, मैं अगर इस उम्र में चला सकती हूँ तो कोई भी चला सकता है। और ऐसे स्काई ने अच्छा खासा वीडियो लेके अपने ब्रांड मैनेजर को दिखाया, उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हमको कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं चाहिए, हमको एक रॉ स्टोरी चाहिए, एक नई स्टोरी, अगर तुम वो ला सकते हो तो जल्दी ले आओ नहीं तो दुबई एक्सपो तुम्हारे हाथ से गया। स्काई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके न्यूड्स वीडियो लीक होने के बाद उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, वो कैसे जी रही है उसे ही पता है। एक दिन स्काई को बुआ जी घर पे बुला के बोलती है बेटा मेरा एक सपना है, जब से मैंने बुलेट चलाना शुरू किया मैंने खारदुंगला पॉइंट पे जाने के लिए सोचा, तुम क्या मेरे साथ चलोगे। स्काई तो पहले उनको मना करती है पर उसे भी पता था कि अगर कुछ फ्रेश चाहिए, कुछ नया चाहिए, उसको ये करना पड़ेगा, तो वो रिस्क उठा लेती है और वो अपने बाइक को रेडी करने के लिए चले जाते हैं सब्बीर मियां के शॉप पे। पहले तो सब्बीर उनको गलत छलत क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग दोनों ही जाएंगे क्या, सिर्फ बाइक से जाना क्यों है, अगर आप प्लेन से जा सकते हो तो आपके साथ कोई जेंट्स तो जाएगा ना, लड़कियां कैसे जा सकती है। और वो दुकान और कोई नहीं हिंद मोटर की होती है जिनकी पुश्तानी वारिस उज्मा होती है। जब वो लोग थोड़े दूर जाते हैं उज्मा उधर जाके उनका गाड़ी को ठीक कर देते हैं, फॉग लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था। वो बोलती है मैं जब छोटी थी तब से बाइक ठीक कर रही हूँ, अब तो खाना बनाना पड़ जाता है पर मुझे बाइक के बारे में सब कुछ पता है। वो लोग तब उज्मा को भी ऑफर देते हैं कि अगर हमारे साथ ट्रिप में एक मैकेनिक रहेगी तो अच्छा रहेगा, हम खारदुंगला ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तुम चाहो तो आ सकते हो। उज्मा भी घर में झूठ बोल देती है और ये बोलती है मैं बुआ के साथ मनाली जा रही हूँ, उधर एक अच्छा दरगाह है, अगर हम उधर माथा टेक देते हैं तो हमको लड़का जरूर होगा। फिर क्या शौहर जी भी उनको परमिशन दे देते हैं और उनका तीनों का टीम बन जाता है। और स्काई का यूट्यूब वीडियो देख के मंजली भी उनको
ज्वाइन करती है 7 दिन के लिए कारदुंगा ट्रिप के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कैफे में बैठ के वो लोग प्लान बना रहे होते हैं। लद्दाख का एक मैप खुला हुआ है, वो बता रही थी दिल्ली से हम पहले मनाली जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग कारदुंगा तक पहुंच जाएंगे। पर स्काई की बात को काट के सारे लोग बोल रहे थे मनाली जा रहे थे, उधर थोड़ा घूम लेंगे, हम पेंगोंग लेक पे नहीं जाएंगे, 3 इडियट का तो उधर शूट हुआ था। स्काई भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इन लोगों की वजह से। फिर उन लोगों का एक साथ सफर शुरू होता है, वो लोग रात दिन भर गाड़ी चलाते हैं। और आप लोगों को भी पता है इंडियन हाईवे रात में लड़कियों के लिए उतना ज्यादा भी सेफ नहीं है। इस वजह से स्काई सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और हर रात को वो होटल में उन लोगों को स्टे करवाती है, वो पूरा सेफ्टी नेट को फॉलो कर रही होती है। बीच बीच में वो लोग अपने थॉट शेयर कर रहे होते हैं। बुआ जी बताते हैं पता नहीं फैमिली के लोग मुझे शायद बोझ समझते हैं, मैं ये बुलेट चलाता हूँ उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, उनको लगता है इस उम्र में सिर्फ भजन कीर्तन ही करना चाहिए, क्या मुझे सपने देखने का अधिकार नहीं है, मैं क्या इस उम्र में बुलेट चलाना चाहूँ, क्या ये जुर्म है। और अपने पति को याद करती और बोलती है वो जब था मुझको खूब घुमाता था, मैं तुम्हारी तरह ही थी स्काई, पर तुम मुझसे ज्यादा डेयरिंग हो। वो लोग फिर दूसरे लोकेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है, बुआ जी का टायर भी पंक्चर हो जाता है और रास्ते में बुआ जी की उम्र के उनको एक मुसाफिर भी मिल जाते हैं, वो उनके बहुत मदद करते हैं। फिर उज्मा भी अपना कहानी बताने लगी कैसे हिंद मोटर उसके पापा का था, फिर उनके भाइयों का हो गया, फिर आखिर में छोटा सा पोर्शन उनके शौहर को दिया गया, पर इसमें मेरा कोई हक नहीं था, मेरा नाम कभी भी नहीं लिया जाता। फिर रात को बाइक चलाते हुए वो एक हॉस्टल में रुकते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं नए नए, और उधर वो लोग थोड़ा वीड वगैरह भी पी लेते हैं। इसके चक्कर में उन लोगों को नशा हो जाता है, वो लोग अनाप शनाप बोलने लगते हैं, कोई किसी के पड़ोसी के बारे में बोलता है, कोई किसी के पति के परफॉर्मेंस के बारे में बोलता है, ये सब हंसी मजाक चल रहा होता है और जो ओनर था वो धीरे से कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह भी उनका नशा उतारने में ही चला जाता है। फिर जब बुआ जी को ओनर का फोन मिलता है और जब उधर उन लोगों का वीडियो देखते हैं, वो जाके स्काई को सीधा बोलते हैं तुमने यूट्यूब पे डाल दिया है, ये हमारे पर्सनल वीडियो है, हमारे परिवार हम पे हंस रहे होंगे। और तब उज्मा भी बोलती है मैं भी घर से झूठ बोल के आई हूँ, और वो लोग सारे मिलकर स्काई पे चढ़ने लगे थे, स्काई को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे वो लोग। तब मंजली बोलते हैं उसको तो कुछ बोलने दो, जिसका खुद का न्यूड वीडियो वायरल हो चुका है वो तुम्हारा वीडियो क्या वायरल करेगा, ये नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग है। तभी होमस्टे का ओनर आकर बोलता है जस्ट फॉर फन मैं तो जस्ट नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहा था, तुम लोगों को सुबह दिखाऊंगा ये सब। पर इन सारे बातचीत से स्काई को बहुत चोट पहुंची थी। फिर अगले दिन जब वो लोग बाइक राइड कर रहे थे, एक झरने के फ्लो में स्काई को वीडियो चाहिए होता है, तो उधर बुआ जी और स्काई खड़े थे अपने बाइक्स और कैमरे गियर्स के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ तो पहले सही चल रहा था, पर अचानक से नदी ने तेज पकड़ ली और पानी बहुत फ्लो से आने लगा। बुआ जी तो उधर से कैसे भी निकल जाते हैं, पर स्काई अपने गाड़ी को खींचती रहती है, पर गाड़ी पानी के नीचे चला जाता है उसके साथ उसके कैमरा गियर और वीडियो रिकॉर्डिंग के सारे फुटेजेस। स्काई को जब वो लोग आश्वासन दे रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा तुम चिंता मत करो, स्काई तब रोती हुई बोलती है मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैंने उसको फोटो भेजा था वो हैक हो गया और मैं बदनाम हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी जब मैं सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइफ को एक दूसरे लेवल पे शिफ्ट करूँ, इतना मेहनत किया और देखो सब कुछ पानी में चला गया और मेरा मेहनत पूरा बर्बाद हो गया, और मैं इस ट्रिप में और नहीं रुकूंगी, और आप सुन लीजिए मैं आप लोगों के लिए नहीं आई थी, मैं खुद के स्वार्थ के लिए इधर आई थी, अगर मैं आप लोगों का वीडियो बनाता वो यूट्यूब में डालता ब्रांड अप्रूव करता वो मैं दुबई एक्सपो पे जाता, जब ये सब कुछ नहीं हो रहा मैं इधर से निकल रही हूँ, और वे बोल के उधर से वो चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग ये बात सुन के बहुत निराश हो चुके थे, वो लोग फिर स्काई के बिना ही राइड करने लगते हैं। राइड करते करते बुआ जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और उज्मा को डॉक्टर बताती है कि ये मेडिसिन अब जल्दी लेके आ जाओ। उज्मा जब मेडिसिन लेके अपने बाइक के पास आते हैं तब उधर पुलिस आ जाते हैं और बोलते हैं इस बाइक के ऊपर केस हुआ है कि दिल्ली के हिंद मोटर शॉप से इस बाइक को किसी ने चोरी कर लिया है, असलियत में ये केस उसके पति ने ही किया था क्योंकि उस लैंड ओनर ने वो वीडियो पब्लिक कर दिया था, यूट्यूब पे डाल दिया था उसने। फिर क्या उज्मा को बहुत गुस्सा आता है, वो फोन करके धमकाती है कि अभी भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, भले तुम मेरे शौहर हो अगर तुमने FIR नहीं लिया तो अभी मैं मेरे अब्बा जान को कॉल करूंगी। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बुआ जी का इमरजेंसी कंडीशन देख के वो बूढ़ा आदमी स्काई को कॉल करता है। स्काई को फोन मिलते ही वो तुरंत भागी चली आती है क्योंकि वो बहुत प्यार करती है अपनी टीम से, क्योंकि धीरे धीरे उसे भी महसूस हो रहा था कि उसके लिए बस सफर मायने रखते हैं न कि मंजिल, लाइफ में छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते जाएंगे, हमको बस आगे बढ़ते जाना है। फिर से हमारे गर्ल गैंग एक साथ होते हैं और वो खरदुंगा ट्रिक को पूरा करते हैं, वो भी बाइक से। ये नजारा बहुत ही ऑसम है, लाइक मंजिल तक पहुंच के कितना खुशी होता है आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक फ्री सर्विस है जो कि लाइफ टाइम के लिए अवेल कर सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से एंड पिन कमेंट के लिंक से आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, आप वीडियो को समझ के हमारे ग्रुप में जल्द ही ज्वाइन हो जाइए। Hey guys,
शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप, अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।